माय नेम इज रवि कुमार। आज हम बात करेंगे यार, एक न्यूज आ रही थी कि यार 5 साल का यूरोपियन यूनियन का वीजा, मीन्स EU में अगर आपको जाना है, यूरोपियन यूनियन जो 26 कंट्री हैं जो UK से अब अलग हो चुकी है, पहले 27 थी अब 26 कंट्री है, उसमें अब जो UK सेपरेट हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने 5 साल का वीजा इंट्रोड्यूस कराया। सो वो 5 साल का वीजा एक्चुअली है क्या? देखो ऐसा है, जो यंग्स जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल्स हैं उसको 5 साल का वीजा नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा मिथ है, उस मिथ को मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। सर इस वीडियो को पूरा देखें कि यूरोपियन यूनियन का जो वीजा आपका 5 साल का, वो किस तरह से आपको ग्रांट होगा, मिनिमम 3 ईयर टू 5 ईयर कैसे ग्रांट होगा। देखो यार, जो ये वीजा है उन्होंने अप्रूव करा है, मीन्स 5 साल का वीजा, इट इज़ न्यूज़ इज़ वेरी ट्रू। बट द थिंग इज दैट अगर आप नए ट्रेवलर हैं, आपको वीजा 90 डेज का ही मिलेगा, आप वहाँ 90 डेज ही लिमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, मीन्स अगर आप यूरोपियन यूनियन में काफी बाहर जा चुके हैं, मोर देन 3 टाइम्स एंड विद इन लास्ट 3 ईयर्स, मीन्स 3 साल के अंदर में आप 3 या 4 बार ट्रेवल कर चुके हैं, और सेम वट एवर योर आइटनरी, आपने आइटनरी जो बनाई थी उस हिसाब से फॉलो करके आप अपनी कंट्री में आए हैं, उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं, आपको 5 साल का वीजा मिलेगा। काफी एक मिथ है कि अगर मैं आज अप्लाई करूँ तो 5 साल का वीजा मिलेगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ट्रेवल हिस्ट्री काफी अच्छी है, यूरोपियन यूनियन में आप काफी बार ट्रेवल कर चुके हैं, सो अब उन्होंने स्टेप कराया कि जो हमारे ओल्ड ट्रेवलर्स हैं, जो रेगुलर ट्रेवलर्स हैं, उनको 5 साल का वीजा देने का ग्रांट कराया, मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर्स। लेकिन क्योंकि देखो ऐसा है कि मोस्टली जो है 90 डेज का वीज़ा मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली 3 मंथ्स का आप उसमें कर सकते। जब ट्रेवल्स आप रेगुलर ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी है, काफ़ी अच्छा आपका बैकग्राउंड है कि जो ट्रैवल कर रहे हैं वो रूटीन वाइज है, काफ़ी पर्पसफुल है, सो उन्होंने इस करने के लिए उन्होंने 5 साल का वीज़ा किया। फ्रेशर्स के लिए अभी भी 90 डेज का है, सो इस मिथ को भूल जाओ। जो यूरोपियन गुड न्यूज़ मैं ये बोलता हूँ, अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी जो ट्रैवलर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको 5 साल का वीज़ा ग्रांट हुआ है, क्योंकि वो यूरोप में ट्रैवल काफ़ी बार कर चुके हैं, यूरोप को छोड़ के इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, उनके पास मोस्ट प्रोबेबली डेट वीज़ाज अवेलेबल है, और मोस्ट प्रोबेबली जो लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा का देखें, 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, US की बात 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। सो बार बार अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उनके पास रेगुलर हिस्ट्री है ट्रेवल की, और पर्पस ऑफ ट्रेवल भी उनका राइट एंड करेक्टफुल इंफॉर्मेशन है, सो उस तरह उस हिस्ट्री को देख के यूरोपियन यूनियन ने 5 साल का वीज़ा ग्रांट करा है। अगर किसी के पास US का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा है, यूरोपियन यूनियन का 2-3 बार उन्होंने वीज़ा ले रखा है, तो उसको अगली बार अप्लाई करेंगे तो 5 साल का ही वीज़ा उसको ग्रांट होगा। सो यही एक यूरोपियन यूनियन की अच्छी थी, क्योंकि देखो ऐसा है एवरी टाइम वीज़ा अप्लाई, लेकिन शायद फीस थोड़ी ज़्यादा है उसकी यूरोपियन में 5 साल की वीज़ा की, सो 5 साल का वीज़ा उन्होंने अप्रूव करा है। ये एक सही न्यूज़ है, बट जो ये क्राइटेरिया है वो जो मैंने डिस्कस कराया वीडियो में, यही क्राइटेरिया फ्रेशर्स को उन्होंने अभी भी 90 डेज का ही वीज़ा अप्लाई मिस वीज़ा अप्रूव कराया। लेकिन आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, यूरोपियन काफ़ी बार घूमा, आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।